तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी वेरी दैट इज ए आई कैप प्लस यहाँ से बी टी जे कैप। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम डिपेंडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन एंड वेलोसिटी। तो एक्सलेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। सबसे पहले एक्सलेशन निकाल लो। तो एक्सलेशन क्या होता है? डी बी ओवर डी टी, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो। तो ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 और बी का पी जे आ जाएगा। तो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए मॉड जो कि पूछा जा रहा है दैट इज ए, तो वो तो बी आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जब वेलोसिटी इतनी आपको दी हुई है तो हम सबको पता है वेलोसिटी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन बना जो है एक्सलेशन हो गया बी और वेलोसिटी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय।